हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी बेबी सॉक्स लेकर आई हूँ। ये सॉक्स बहुत ही इजी है बनाने में। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फंदे की बात करेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमने 20 फंदे लिए हैं। 20 फंदे लेने के बाद हमने यहाँ पे 7 लाइन, मतलब 7 धारी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 धारी हमने ये दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना लिया है। यानी दोनों साइड मिला के आपके ये 14 सलाई बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 7 लाइन बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 20 फंदे से हमने ये शुरू किया है और 9 नंबर की हमने यहाँ पे सलाई ली है। 3 प्लाई का ऊल लिया हुआ है। आप नॉर्मल ऊन लेंगे तो 10 नंबर की सलाई यूज करेंगे, फंदे आपके 22 हो जाएंगे। 2 फंदे आपको बढ़ा लेना है। अब देखिए, यहाँ पे 20 फंदे हमने लिए हैं, तो यहाँ पे अब हम 10 फंदे को बंद करेंगे। तो देखिए हम फंदे कैसे बंद करेंगे, 2 फंदे का एक करेंगे। देखिए 2 फंदे को हमने एक साथ बुना, उसके बाद इस फंदे को सलाई पे ले जाएंगे, फिर इसको ऐसे 3 फंदा हमने बंद किया, 4 5 6 7 8 9 और 1 10। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 1, ये दोनों मिला के 5। ठीक, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। धागे को पीछे ले जाके इन फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे पीछे की साइड आ गए हैं। तो पहले फंदे को उतारेंगे, बाकी के फंदे पे यहाँ पे हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। एक एक करते हुए सभी फंदे को हमने यहाँ पे उल्टे की साइड से उल्टा उल्टा बनाना है। देखिए ये हमारा सीधा साइड है और ये उल्टा। फिर से हमने पहले फंदे को एज स्टिच स्लिप किया, उतार लिया। अब यहाँ पे 9 फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो चलिए इसकी कुछ लाइन हम बना लेते हैं, फिर आप आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसकी सीधे की साइड से सीधा सीधा, उल्टे की साइड से उल्टा उल्टा इतना बुनाई कर लिया। तो यहाँ पे भी हमने ये जितना हमारी इधर बुनाई हमने किया है, सेम उतना ही इधर ही हमने ये बुनाई किया। यानी देखिए, 7 लाइन इधर हमने बुना था, तो इधर भी हमारी ये 7 लाइन इधर से है। यानी दोनों साइड से मिला के 14 लाइन हमने ये कम्प्लीट किया है बना के। अंगुल की बात करें तो 3 अंगुल ये हमारा आया है, 3 अंगुल ये। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 10 फंदे को जो बंद किया था, अब यहाँ पे 10 फंदे को हमने यहाँ पे बढ़ाना है। तो आप ऐसे भी फंदे को बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि हमने 10 फंदे यहाँ पे जो बंद किए थे वो हमने 10 फंदे यहाँ पे बढ़ा लेना है। अब हमारा सेम यही वाला पार्ट बनेगा, दोनों साइड से उल्टा उल्टा। टोटल हमारे यहाँ पे अब 20 फंदे हो गए, जो हमने 20 फंदे से शुरू किया था। अब हमारा यहाँ पे 20 फंदा हो गया,
इसकी अब हम बुनाई करेंगे दोनों साइड से उल्टा उल्टा। देखिए ये जो हम फंदे डाले हैं इसको आपने बहुत आराम से बुनाई करना है। देखिए ऐसे आपको लूज लगेगा लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम आराम से आप ये 10 फंदे बुन लें पहली रो में। देखिए ये 10 फंदे बुन लिए। देखिए बाकी के फंदे को भी हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब दोनों साइड से ये 20 फंदे को हमने उल्टा उल्टा बनाना है। टोटल 14 सलाइयाँ दोनों साइड से मिला के हम 14 सलाई बनाएंगे तो हमारे 7 लाइन बन के आ जाएगी। अब आ गए हम आगे की साइड। इतना अब हमने फिर से बनाना है। पहले फंदे को उतारा, बाकी के फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सभी फंदे को हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे इसकी स्टिचिंग करके। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन यहाँ पे हमने ये बना लिया है। अब हमने फंदे को बंद करना है। तो चलिए सभी फंदे को हम यहाँ पे बंद करेंगे। तो फंदे कैसे बंद करेंगे, देखिए 2 फंदे को हमने एक साथ बुनना है। फंदे आपको ज़्यादा टाइट नहीं बंद करना है, नॉर्मल हाथों से आपको फंदे को बंद करना है। देखिए ऐसे 2-2 फंदे को साथ में बंद करते हुए हमने यहाँ पे जो हमारे टोटल 20 फंदे हैं सबको बंद कर लेना है। बहुत ही प्यारी ये बन के आएगी। देखिए इतना बन गया, सिर्फ आपको ऐसे ही बना के फिर सिलाई करनी है। आप लोग ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल पर बहुत सारे सॉक्स हैं और टोपी है छोटे बच्चों का, तो आप लोग ज़रूर देखें। ये सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली ही है तो आप लोग अपने बच्चों के लिए नई नई डिज़ाइन के सॉक्स बनाइए, कैप बनाइए। और जहाँ पे ना समझ में आए आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सभी फंदे को बंद कर लिया। इसको थोड़ा सा हमने लंबा खींचना है धागे को कट करके। चलिए अब धागे को हम कट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने धागे कट करके यहाँ पे इसको ऐसे लॉक कर लिया और सुई में हमने धागे को डाल लिया। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसको हमने क्या करना है ध्यान दीजिएगा, इसको हमने ऐसे उल्टा करना है, उल्टा करने के बाद इसकी सिलाई हम यहाँ से लेके देखिए यहाँ से शुरू करके फिर यहाँ तक हम आएंगे और यहाँ पे हम इसकी सिलाई गोलाई में करेंगे। नॉर्मल हम इसकी सिलाई यहाँ से कर लेते हैं फिर आप उसको दिखाते हैं। सिलाई आपको उल्टी साइड से करना है। दोनों पार्ट में देखिए हमने सिलाई कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट के चैन को लेते हुए हमने सिलाई करनी है। एक बार इस चैन से लिया, एक बार इस चैन को। ऐसे ही आपको ये पूरी सॉक्स की सिलाई कर लेनी है। एक्स्ट्रा धागा है इसको हम बाद में कट कर लेंगे या तो क्रोसिया से आपको पीछे की साइड ही
अंदर से एडजस्ट कर लेना है। धागे को हम इधर से ही ऐसे सिलते हुए मोड़ लेंगे ताकि हमें कट ना करना पड़े और यहाँ तक आएंगे ही सिलाई करते हुए। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब ये हमारा जो आगे का पार्ट है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे गोलाई में इसकी सिलाई करनी है। देखिए इसको क्या करना है, ध्यान से देखिए आप। ये देखिए एक एक चैन में ले जाते हुए हम ऐसे सुई को देखिए डालते हुए लास्ट तक जाएंगे और इसकी सिलाई ऐसे गोलाई में हम करते हुए जाएंगे। देखिए फिर हम देखिए अब इसको हमने क्या करना है, ऐसे टाइट खींच देना है। टाइट खींचने के बाद हमें यहाँ पे दो से तीन बार नॉट लगा के इसको पक्का करेंगे। उसके बाद मैं आप लोग को सीधा करके सॉक्स को दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ऐसे सीधा किया और यहाँ पे हमने एक सौ बटन का लगा दिया है। बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है ये। देखिए आप चाहें तो आपके पास अगर मोती हो तो मोती भी लगा सकते हैं, या तो कोई सौ बटन हो या आपके पास कोई भी बटन हो ऐसे मोती हो तो उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। या वाइट कलर की भी मोती आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो देखिए कितना प्यारा है और कितनी जल्दी ये बनने वाली सॉक्स है। ये देखिए बैक साइड से ऐसे आएगा और फ्रंट साइड से ये सॉक्स ऐसे बन के आ रही है। इतनी प्यारी फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।